चावल धो के रेडी है, चिकन धो के रेडी है, इधर चिकन मसाला और मीट मसाला है, और यहाँ पे देखिए अपने चूल्हा पे पक रहा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा खाना, ये रहा हमारे सुंदर भाई का खाना, और ये रहे हमारे सारे ग्रुप के आदमी। इधर है राजमिस्त्री वाला एरिया, इधर है पेंटर वाला एरिया। तो खाना पीना खाने के बाद अलग अलग सी एक एनर्जी आ गई है इन लोगों को, एकदम देखो एकदम फटाफट काम कर रहा है सब। देख लो आज खींचो जल्दी जल्दी, आज देखो, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जावेद व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। इस टाइम मैं अपने घर पे आ गया हूँ, आप लोगों को पता है, और मैं जो घर का काम कराया हूँ, जो भी काम है, 3-4 वीडियो बाकी है, वो वीडियो को एडिट कर रहा हूँ बैठ के। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ पार्ट मैंने शूट ही नहीं किए, तो चलो यहीं पे शूट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो जो है, इस वीडियो में मैं छत का ढलाई करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा छत लीक कर रहा था। अगर आपने शुरू की वीडियो देखी होगी, इसके बाद 2-3 वीडियो आई है चैनल पर घर वाली, तो उसमें हमारा जो छत है, ऊपर का जो छत है, ये वाला, मतलब इस घर का नहीं अपने घर का, तो वो लीक कर रहा था, तो उसका छत का ढलाई होना है। और मैंने अपने से खुद से जो हमारे वर्कर हैं, जो भी लेबर हैं, मिस्त्री हैं, पेंटर है, सबको बिरयानी बना करके खिलाया। तो बिरयानी का मैंने बात बोला था वीडियो में, अभी भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिरयानी मैंने बोला कि बनाऊँगा, बट बिरयानी नहीं बना करके बिरयानी का मसाला नहीं मिला मुझे, तो चावल और चिकन, मतलब चिकन चावल बना करके प्लस सलाद हम लोग खाए थे साथ में बैठ करके। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही है पूरा, छत का ढलाई और खाना पीना वगैरह, थोड़ा बहुत काम प्लम्बर का है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और देखना भाई खुद से बनाकर मैंने खिलाया और फीडबैक क्या आया। सुरेंद्र भाई हैं, जो भी हिंदू भाई जितने भी थे, उनका रिएक्शन देखना मत भूलना। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, कमेंट करना वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना, वीडियो लाइक पहले कर दो। चलो वीडियो देखो आप, अब मैं अपना बैठ के दूसरे पार्ट एडिटिंग करता हूँ। अभी आपको पीछे भी आपको दिखा दूंगा वीडियो, मैंने पीछे भी काम कराया है, वहाँ पर भी पेंट होगा। तो देखो दीवार कहाँ देखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रही अपनी गाड़ी, और आप देख सकते हो मेरे पीछे ये वाला एरिया, मैं पीछे के कमरे से दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये भी अपना ही ज़मीन है। ठीक है, इसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा पहले कचरा दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, इसमें नॉर्मल सा प्लास्टर नहीं कराया है, क्योंकि आने वाले टाइम पे यहाँ पर घर बनेगा, तो हमारी फैमिली मेम्बर का जो ईंटा मैंने बताया आपको, तो ये एक साथ चिपक जाएगा दीवार, इसके लिए हमने यहाँ पर प्लास्टर नहीं, बस थोड़ा सा चिपकारी करा दिया है, ना से हाँ हो जाए और पेंटर को काम करने में अच्छा लगे। तो देखो पीछे का दीवार भी कितना अच्छा हो गया पूरा, और इस साइड भी दीवार देखो पूरा अच्छा हो गया पूरा। अब ये सब पेंट हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये आप देख ही रहे हो पीछे का आप एरिया, रोज़ाना दोपहर में पीछे में रहता हूँ, शांति मिलती है भाई, एकदम ठंडा ठंडा हवा चलता रहता है। ये बालू अपना नहीं है, किसी और का है, और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है ना, इस वजह से हर जगह बार बार कोई ना कोई आ जाता है गाड़ी लेकर के, और पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है। एक बार और बालू मैंने मंगाया, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये सीढ़ी बन चुकी है। जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, फुल फाइनल ओवर आपको एक दूंगा, फाइनल व्यू, ओवर नहीं व्यू दूंगा, ताकि आपको अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है ना, देखो अभी मैंने किचन में भी वो मट्टी खोद दिया है, ताकि यहाँ पे ईंटा का काम होगा, थोड़ा सा सीमेंट का घोला, बालू का घोला बना करके डाल देंगे, ताकि मतलब मिट्टी का कोई काम ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख रहे, धुला गया है छत वगैरह, और वो मसाला तैयार है गिट्टी वाला, अभी एक बार बना है, दूसरा बार ये है, तीसरा बार ये है, अभी वहाँ से शुरू किया जाएगा, लेवल लगा दिया गया है, कहाँ पर कितना मसाला लगेगा नहीं लगेगा, ये देख रहे हैं, ये देखिए यहीं से नीचे जाता है पानी, दिखाया मैंने आपको लास्ट टाइम, तो काम शुरू हो चुका है, आज ये पूरा हो जाएगा। तो ये लोग काम कर रहे हैं, देख लो छत का ये लेवल बना दिया गया है, कि इतना यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा मसाला, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, इन्होंने लेवल बनाया है। इसके बाद ये देखिए कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो मैं करा रहा हूँ ना, जो छत पहले से हो रखा है, जिसने किया है ठीक से नहीं किया था, इस वजह से ये दोबारा से काम हो रहा है। अगर वो ठीक से करता या कराने वाला होता सही से, कोई भी मुस्तैद बोलते हैं ना, काम कराओ तो अपने साथ खड़े रहो, कोई भी कर रहा है या ठीका पे कर रहा है या आप रोज पे करा रहे हो, तो साथ में आप नहीं रहेंगे तो ऐसे ही दिक्कत होगा। ये दोबारा का ये इतना सारा खर्चा दोबारा से हो रहा है, क्यों? इसी वजह से हो रहा है। देखिए पूरे छत पर लंबा चौड़ा छत है भाई, एक टेंट लग जाएगा, इतना बड़ा छत है। छत पे हो रहा है छत का ढलाई, मतलब ऊपर में छत का ढलाई हो रहा है,
तो आज मैंने सबको कहा है कि आज किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा, तो मैं आप लोगों को चिकन बिरयानी बना के खिलाता हूँ। अभी सामान मंगाया हूँ ये सारा, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, और हम बनाएंगे इस छोटे से चूल्हे पे चिकन बिरयानी, ठीक है, और सभी लोगों को खिलाएंगे। टोटल 8 लोग हैं और हम लोग आके 10 लोग, ठीक है, 10 लोगों का भी चिकन बिरयानी मैं बनाने वाला हूँ इस छोटे से चूल्हे पे। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, बनेगा या नहीं बनेगा ये छोटा सा चूल्हा पे, ट्राई करते हैं। तो घर में काम लगा हुआ है, मैं सामान सब कितना किधर रखूँगा कोई भी एक जगह पर नहीं है। चावल धो के रेडी है, चिकन धो के रेडी है, इधर चिकन मसाला और मीट मसाला है, और यहाँ पे देखिए अपने चूल्हा पे पक रहा है, ठीक है, मैंने वीडियो में कहा बिरयानी बना रहा हूँ, तो मैंने कहा था कि चिकन बिरयानी बनाऊंगा, तो बिरयानी का मसाला यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, सारा कुछ मैं अभी मंगाया हूँ, तो मैंने अभी चिकन और चावल बना दिया है। चावल बनाया है, वो भी कैसा बिरयानी वाला चावल बनाया है, तो आपको दिखाता होगा। तो ये रहा चिकन, ये रहा चावल, तो देखो ये चावल, ठीक है, बिरयानी वाला चावल है, और ये रहा चिकन, ठीक है, पूरा प्लेट मंगाया हूँ अभी, अभी सब लोग हाथ धो रहे हैं तो ये सब खाएंगे। तो ये रहा मेरा खाना, ये रहा हमारे सुरेंद्र भाई का खाना, और ये रहे हमारे सारे ग्रुप के आदमी। इधर है राजमिस्त्री वाला एरिया, इधर है पेंटर वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पे खाना रखा हुआ है, सब आदमी खा रहे हैं नीचे बैठ के ज़मीन में, देखो पानी वानी सब लगा हुआ है। कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है, कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है ना? तो खाना पीना खाने के बाद अलग अलग सी एक एनर्जी आ गई है इन लोगों को, एकदम देखो एकदम फटाफट काम कर रहा है सब, देख लो, आठ खींचो जल्दी जल्दी, आठ देखो, ये देखिए जरा सा भी नहीं लग रहा है कि ये लोग काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ एंजॉय भी ले रहे हैं पूरा, एकदम टाइम पास। तो सुबह का बज रहा है 10, और देखिए रात में जो ढलाई हुआ छत का पूरा, तो ये अभी फिनिशिंग नहीं है, इसको फिनिशिंग किया जाएगा, इसके साथ साथ दोनों मिस्त्री जो कल काम किए, तो इसको पानी डाल के चेक कर रहे हैं, मैंने पानी नहीं डाला इस पर, ताकि इनको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि पानी सही से वहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या इशू है, कहाँ पर मसाला लगेगा, दोबारा से ये चेक कर रहे हैं पूरा। तो आई थिंक पानी सही दिशा में जा रहा है, मतलब जहाँ पानी जाना चाहिए, बट चलो सही है। ये देखो पूरा छत का काम, ठीक है, पानी वैसे अब नहीं रुकेगा, इस वाले का जो एरिया है उधर जाएगा पानी, इधर का एरिया का इधर आएगा पानी पूरा। तो पेंट का काम शुरू हो चुका है, अंदर में लगभग काम हो चुका है, और ऊपर में भी कर रहे हैं, सफाई हो रहा है पूरा, इसके पीछे हो चुका है, देखो कैसे हो रहा है काम, इस पर घोला मारा जा रहा है सीमेंट का पूरा। सुबह का 10 बज रहा है, जैसा कि छत का काम हुआ तो इसको चेक करने के लिए इसमें पानी डाला गया है, मैंने अभी पानी डाला है और बांध बना दी है इसमें, और पूरा पानी यहाँ डालने के बाद सीधा उस कोने पर जा रहा है जो मुझे चाहिए था, परफेक्ट। तो अभी इसमें पानी भरा जा रहा है, और हमारे मिस्त्री साहब आज काम नहीं कर रहे, घूम रहे चेक करने के लिए आए, जो हमने जो काम किया क्या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आके मेरे से पहले ही चेक वेक करके गए थे, बट इनको पूरा हाँ हम डाले हैं, कितना नहीं 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 निकल जाएगा, मट्टी जो है ना थोड़ा सा ही डाला हुआ है, कहाँ से है? नहीं नहीं ठीक है, हाँ हाँ बंद हो गया, हाँ तो मट्टी वो आपने वहाँ पे वो किया है ना, अब देखिए हमको जितना पता रहेगा उतना, देखो भाई मैं मट्टी भरा तो मेरे को नहीं मालूम था कैसे भरना है, मैं तो बस वैसे ही भरा, जो परमानेंट काम करता उनको ना पता होता है, तो हम देखिए छत पे घूम रहे हैं, और नया नया छत है, इसका उद्घाटन अभी किया गया, पानी डाल के मोटर चल रहा है, आधे घंटे से चल रहा है, अभी पानी भर रहा है, जबकि इतना पानी बारिश में नहीं भरेगा इस पर, अच्छा भी लग रहा देखने में। तो पेंट का काम हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं मोनू को लाया हूँ, ये मोनू हमारे साथ दुकान पे काम कर चुका है, और ये यहाँ से पानी जो है ये वाला पानी यहाँ से निकलेगा, इसके लिए यहाँ पर अभी बड़ा वाला पाइप लगेगा, ये काम कर रहा है, देख लो। तो पेंट का काम हो गया था, बट क्या किया जाए, पाइप का काम लेट से करा रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर दीवार बनवाया था, ये दीवार न मिल जाए इस वजह से,
तो प्लम्बर का सामान हम लोग लाने के लिए गए थे, ये सारा सामान इस डिग्गी के अंदर था, ठीक है। पाइप मोनो ने अंदर रख दिया है और पीछे भी काम शुरू हो चुका है पेंटिंग का, देखो। तो ये पाइप आया है, पता नहीं ये 4 इंची का है या 5 इंची का, तो ये पाइप लगेगा वो उसका पूरा फिटिंग। डिग्गी में बहुत सारा सामान आ गया और फिर थोड़ा सा सीमेंट बालू भी लाया हूँ, तो ऊपर से ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा पानी, ठीक है। पहले हम लोग 3 इंची का पाइप लगा रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं बड़ा पाइप लगाओ, और इसका फिटिंग लगने के बाद आपको फिर दिखाते हैं कैसे लगाता है मोनू। इस पाइप की वजह से ही ये सब जो ख़राब हुआ, मेन इसी की वजह से, यह पाइप पहले लग जाता तो अच्छा रहता। तो आपने देख लिया पूरा वीडियो, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मा सलाम।